एक हमने अप्रूव किया है कि जो जो राज्यों में 50% से कम घरों में बिजली पहुंची है तो स्वाभाविक है कि उन इलाकों में रात को अंधेरा रहता होगा। तो हमने हर एक सांसद को कहा है, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, उड़ीसा के, झारखंड के और शायद आसाम के, 5 राज्यों के जहाँ पे 50% से कम घरों में बिजली है, उनके सांसदों को कहे कि सोलर स्ट्रीट लाइट अगर वो अपने एमपी लाइट से देना चाहे तो 25% वो अपने एमपी लाइट से दे दें, 75% केंद्र सरकार दे और वो अपने अपने गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगा सकते हैं, जिससे कम से कम रात भर गांव में बिजली रहे और चोरी डकैती से बचे वगैरह। अब उसमें अगर राज्य सरकार के और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स वगैरह सब कोऑपरेट करके सपोर्ट करें तो हम तो बहुत फास्ट ये 5 राज्यों में कर सकते हैं। लेकिन सर, जो सेंट्रल की स्कीम है राज्यों के लिए, आपको यूपी में क्या स्थिति देख रहे हैं अभी? जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है राज्यों के लिए दी, जो गाँव को बिजली के लिए, तो अभी क्या आपके पास क्या रिपोर्ट है कि इम्प्लीमेंटेशन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो तो आपने देख ही लिया ना, प्रधानमंत्री ने उस दिन 10,051 गांव हो चुके थे जी। वो कोई भी गांव चूज कर सकते थे उसमें से। अब उत्तर प्रदेश की दुर्भाग्य की बात है जी गवर्नमेंट के लिए, और सुखद संजोग है जनता के लिए कि उन्होंने नागला पटला चूज किया। मैंने तो प्लान नहीं किया था, मैं भी वहीं बैठा सुन रहा था उनका भाषण सबके साथ जब नागला पटला गया। अच्छा, तब मेरे पास SMS और ईमेल्स आ रहे थे, सब फोटोज़ जहाँ जहाँ पे TV वगैरह लगा था, तो हाथरस के फोटोज़ आ रहे थे, तो मुझे लगा शायद वही नागला पटला के होंगे। मैंने एक गलत ट्वीट भी कर दिया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं एक्नॉलेज करता हूँ मेरे से गलती, और मेरी गलती से उनको भी मैंने भेज दिया, तो फिर वो विड्रॉ कर दिया। पर वो हाथरस के ही थे बाजू के लिए, लेकिन नागला पटला में विद्युतीकरण होने के बावजूद, और उसके तो दस्तावेज आपने देखे होंगे ना, सब बाहर आ गए।